everyone, very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel Poonam's Mantra. So friends, हमने third class का fourth chapter start किया था addition. So आज का जो हमारा topic है adding three numbers. हमारा topic है कि हमने three numbers को add करना आज हम सीखेंगे. Previous classes में हमने simple addition सीखी थी और आज हम three numbers को add करना सीखेंगे. तो देखिए, जैसे कि first question है add 1223.6 and 45. तो ये three numbers आपको दे रखे हैं, आपने इन three numbers को add करना है. तो देखिए, जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल थे. उनमें सिंपल फोर डिजिट्स के क्वेश्चन नंबर्स दे रखे थे, उनको हमने ऐड करना है. बट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस नंबर में फोर डिजिट है, इसमें वन डिजिट है एंड इसमें टू डिजिट्स हैं. सो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे. बड़ा नंबर इन द सेंस कि जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज्यादा हैं. तो आप देख सकते हैं 1223 में फोर डिजिट्स हैं. तो सबसे पहले हम इसी नंबर को लिखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. नाउ आप देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे. आफ्टर दैट उससे कम जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको लिखेंगे. आफ्टर दैट सबसे कम जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स आप देख सकते हैं इस नंबर में है 1223. तो हम इसको लिखेंगे, थ्री कौन से प्लेस पे है, थ्री वंस प्लेस पे है, तो थ्री को हम वंस प्लेस पे लिखेंगे. टू टेंस प्लेस पे है, टू को टेंस प्लेस पे लिखना है. टू हंड्रेड प्लेस पे है, इसको हंड्रेड प्लेस पे लिखेंगे एंड वन को थाउजेंड प्लेस पे लिखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सिक्स है नेक्स्ट डिजिट हमारे पास, बट सिक्स में ओनली वन डिजिट है एंड 45 जो नंबर है इसमें टू डिजिट्स है. तो टू डिजिट्स हैं, तो इसके बाद हम टू डिजिट्स वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे. तो देखिए, फाइव वंस प्लेस पे है तो फाइव को हम वंस प्लेस पे ही लिखेंगे. फोर टेंस प्लेस पे है तो फोर को हम टेंस प्लेस पे ही लिखेंगे. नाउ एट लास्ट एक डिजिट बचता है सिक्स, अब इसको हम इसके नीचे लिखेंगे. सो ऑलवेज आपने याद रखना है, हमें वंस प्लेस की साइड से ही लिखना स्टार्ट करना है. वंस प्लेस के नीचे ही हमने वंस प्लेस का डिजिट लिखना है. टेंस प्लेस के नीचे ही हमने टेंस प्लेस का डिजिट लिखना है. हंड्रेड प्लेस के नीचे ही हमने हंड्रेड का, थाउजेंड के नीचे ही थाउजेंड का. सो अब हम इसको ऐड करेंगे. तो देखिए, थ्री प्लस तो देखिए 14 आता है. तो 14 में जो है वो टू डिजिट्स हैं. सो टू डिजिट्स हैं तो टू डिजिट्स को तो हम सम में नहीं लिखते हैं एक साथ. तो हम वंस प्लेस वाला जो डिजिट होता है उसको लिखते हैं, और जो उसके साइड में डिजिट बचता है टेंस प्लेस पे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो हम यहाँ पर फोर को लिखेंगे वंस प्लेस की जगह, और वन बच रहा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टेंस के ऊपर. इमीडिएट नेक्स्ट जो भी प्लेस होता है उसी पे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अब देखिए, इसको ऐड करेंगे, टू प्लस फोर सिक्स. वन से स्टार्ट करते हैं, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन. ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है आपने, अदरवाइज कई बार कैरी फॉरवर्ड भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो वन प्लस टू थ्री एंड थ्री प्लस फोर सेवन. नाउ हंड्रेड, देखिए हंड्रेड प्लेस के नीचे ओनली टू है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ओनली प्लस का साइन है. तो टू के नीचे हम टू ही लिखेंगे. नाउ थाउजेंड के नीचे भी कुछ नहीं है, ओनली वन है, तो वन ही लिखेंगे. सो द सम ऑफ 1223 एंड सिक्स एंड 45 इज 1274. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया. अब मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज नंबर फोर, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है. इसका हम क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं. अब इसको ऐड करेंगे हम. सो इसको देखिए, 8 प्लस 92 प्लस 1732 दिया है. तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसको सीक्वेंस में ही आपने ऐड करना है. तो एज इट इज, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम पहले लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. अब हम इन तीन नंबर्स में से देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है. तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 1732 में सबसे ज्यादा है. तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि लास्ट में दिया है एडिंग के लिए कि 8 प्लस 92 प्लस 1732, तो इसको हम लास्ट में ही लिखेंगे. ऐसी कोई
रूल नहीं है, आपने जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है. सो टू वंस प्लेस पे है, थ्री टेंस पे है, 700 पे है, 1000 पे है. तो ये वाला नंबर हमने लिख दिया है. आफ्टर दैट देखिए 8 और 92 में किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, 92 में. तो 92 में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है तो 92 को हम उसके नीचे लिखेंगे. नाउ एक लास्ट डिजिट बचता है 8, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे. अब इसको ऐड कर देंगे तो 2 + 2 = 4 एंड 4 + 8 = 12. 12, 2 हम यहां लिखेंगे, 1 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. नाउ 1 + 3 = 4 एंड 4 + 9. देखिए एक सिंपल तरीका है इनको ऐड करने का. सबसे बड़ा नंबर देखिए इसमें 9 है, तो 9 में 1 ऐड कीजिए. 9 + 1 = 10, 10 + 3 = 13. सो सिंपल है ऐड करना. तो सबसे पहले आप एडिंग करते टाइम टेंस के नीचे के डिजिट्स को सबसे बड़ा नंबर पकड़िए और उसमें ऐड कीजिए. बट ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी नंबर आपने डिजिट जो है वो स्किप नहीं करना है एडिंग से. सो 9 + 1 = 10, 10 + 3 = 13, 13, 1 कैरी फॉरवर्ड. अब देखिए 7 + 1 = 8 एंड इसके नीचे प्लस प्लस के साइन है, तो इनको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे. 7 + 1 = 8, तो 8 लिख देंगे. नाउ 1000 के नीचे ओनली 1 है, सो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे. तो ये आपका आंसर आ गया 1832. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है. +4321 + 91. अब इसको ऐड करना है हमने. ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है. सो एज इट इज लिख लीजिए 1s, 10s, 100 and 1000. अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है. इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, तो सबसे पहले इसी को लिखिए 4321. आफ्टर दैट 123 में 3 डिजिट्स हैं, 91 में 2 डिजिट्स हैं, तो कौन सा नंबर पहले आएगा, 123. आफ्टर दैट 91. अब इसको हम करेंगे ऐड. अब देखिए 1 + 3 = 4 एंड 4 + 1 = 5. इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे. देखिए 3 सबसे बड़ा डिजिट है, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5. ओके, नाउ नेक्स्ट में देखिए 2 + 2 + 9. तो हम बड़े डिजिट से स्टार्ट करते हैं. 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13. सो 3 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड. नाउ 3 + 1 = 4 एंड 4 + 1 = 5. 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो एज इट इज 4 को लिख देंगे. तो 4535 इज योर आंसर. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. बाकी आपके लिए होमवर्क रहा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, 1521 + 312 + 25. इसको हमने ऐड करना है. एज इट इज लिख लीजिए 1s, 10s, 100 and 1000. अगर 4 डिजिट्स हैं तो 1000 तक लिखिए, अगर 5 डिजिट्स हैं तो 10,000 तक लिखिए. जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ये प्लेसेस भी बढ़ाते जाएंगे. तो देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है इसमें, 1521 में. तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1521. याद रहे कि 1 अगर 1 स्पेस पे है तो 1 स्पेस के नीचे ही लिखना है, 2 10th स्पेस पे है तो 10th स्पेस के नीचे ही लिखना है, इस चीज का ध्यान रखें. नाउ 312, 3 डिजिट्स हैं, इसको हम लिखेंगे 312. और ऑलवेज आपने 1s की साइड से ही लिखना शुरू करना है, 1000 की साइड से या इस साइड से आपने लिखना शुरू नहीं करना है. ऑलवेज हम राइट साइड से ही लिखना शुरू करेंगे. नाउ लास्ट में है 25, अब इनको हम ऐड कर देंगे. अगर 3 डिजिट्स हैं तो आप प्लस का साइन यहाँ नहीं भी लगाते तो भी चलेगा, और लगा देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका. सो अब देखिए 5 है, देखो 5, 2 and 1 है, इनको हमने ऐड करना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे बड़ा डिजिट देखते हैं क्योंकि ऐड करना इजी होता है. सो 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8. देखिए अगर हम ऐसे ऐड करते हैं 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8, तो भी 8 ही आएगा, ठीक है.
तो आपने सबसे बड़े डिजिट को पहले लेना है, उसके साथ ऐड करते जाना है, ठीक है। और टेंथ स्पेस पे देखिए, 2+1 3, 3+2 5। नाउ 100 प्लेस पे है 5 एंड 3, सो 5+3 8। नाउ 1000 प्लेस पे ओनली 1 है, तो हम 1 ही लिखेंगे। सो 1858 जो है वो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बाकी जो पार्ट बचते हैं वो आपके लिए होमवर्क रहा। आई होप आपको ये एडिंग 3 नंबर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।